International brand and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले चार सालों से जो गहलोत सरकार का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से अराजकता पूरे राजस्थान में है, उसकी दृष्टि से हमने सारे राजस्थान में 3 तारीख से जन आक्रोश यात्रा हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है। उसके तहत आज अजमेर उत्तर में जो आज 6ठा दिन है, हम लोग आज इस समय दरगाह बाजार में यहाँ पे हर एक दुकानदार हर व्यक्ति से संपर्क करके उसको कांग्रेस सरकार की नाकामियों से पत्र भी बांट रहे हैं, मिस कॉल के लिए भी आग्रह कर रहे हैं और उनकी कोई समस्या है उसके समस्या का जो समाधान पत्र है उसको भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हमने ख्वाजा की दरगाह के सामने एक पत्र का विमोचन भी किया है जिसमें इन्होंने इस प्रकार के मोदी जी सरकार की उपलब्धियाँ और गहलोत सरकार की नाकामियाँ इसको भी हमने चित्रित किया है। इसको भी हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा हर जगह बांट रहा है, प्रयत्न कर रहा है ताकि हम सब लोग जिस प्रकार के आज कुशासन से जूझ रहे हैं उससे मुक्ति पाएं और इस प्रकार के हम मोदी जी के उन्होंने बिना किसी भेदभाव के जिस तरह से सभी समुदायों के चाहे वो बहुसंख्यक समाज हो चाहे अल्पसंख्यक समाज हो उसके लिए शौचालय की भी व्यवस्था की, उसके लिए गैस सिलेंडर भी बांटे, उसके लिए गरीबों को कोरोना के दौरान उन्होंने 5 किलो अनाज और दाल भी बांटी, इस तरह से सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास इसको लेकर के चल रहे हैं। मुझे लगता है उसका जनता में निश्चित रूप से हमको अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और हर जन के अंदर इस कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश है कि न तो यहाँ महिला सुरक्षित है, न नौजवान को कोई रोजगार मिल रहा है, न बच्चों को दूध मिल रहा है या किसी प्रकार के किसी वर्ग को हमें आज इस प्रकार की वातावरण बनाए। हम सब लोग अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हमारा आग्रह है कि सभी लोग इस सरकार को चेताएं, या तो लाइन पे आ जाए नहीं तो गद्दी छोड़ दें। जनता आ रही है, जनता इस समय बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है, मौके की तलाश में है। मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी इस सरकार से हम विदा करेंगे। जिस प्रकार से गुजरात में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है वैसा ही हम राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेंगे।